सावन के पवित्र माह में रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाले लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का मामला सामने आया है। स्टेशन के पास मौजूद पूजा घर में बीती रात अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर भीतर रखे आस्था के प्रतीक को खंडित कर कई सामानों की चोरी कर ली। सुबह सुबह श्रद्धालु जब पूजा घर पहुंचे तब उन्हें इस घटना की जानकारी हुई। आस्था के घर में चोरी की वारदात से लोगों में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि यह पूजा घर काफी साल पुराना है, जिसे लेकर उनकी गहरी आस्था जुड़ी हुई है। मंदिर में हम लोग रोज कीर्तन भजन करते हैं, पूरा मोहल्ला पूजा करने आते हैं और आज सुबह देखे हैं तो पूरा तोड़फोड़ हो गए है। लिंक ला उठा ले गए है, माता पार्वती ला तोड़ दे है, नंदी ला तोड़ दे है और सब तोड़ फोड़ के एकदम वो कर दिए है। घंटी उंटी सबको कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे और बढ़ेंगे। आज जब मैं आई तो मंदिर तोड़फोड़ हो चुका था। नंदी मंदी को शिवलिंग को उखाड़ के ले गए, पार्वती माता को तोड़फोड़ कर दी, ये सब हमने देखा। और सब महिलाएं जो रोज भजन कीर्तन यहाँ पर सावन भर करते हैं और 12 महीना करते हैं। रेलवे स्टेशन के पास में बहुत पुराना 20-25 साल पुराना मंदिर है, शिव मंदिर। कल रात को असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ कर दिया गया है। शिव जी का प्रतिमा को तोड़ दिया है, माता पार्वती नंदी जी को। नांग साफ है, तांबे का कलश था, छोटे छोटे घंटियाँ थी, सबको तोड़ दिया है। और सावन के महीने में इस प्रकार का कृत्य करना हम हिंदू भाइयों को और पूरे समाज पे एक बहुत बड़ा आस्था पे दाग लगा हुआ है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि वह कम इस घटना पे बहुत जल्द से कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार करें। आस्था के घर में चोरी के साथ ही प्रतिमाओं को खंडित करने की शिकायत पुलिस से की गई है। लोगों ने पुलिस से आग्रह किया है कि अज्ञात आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़।